को नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है पूरे हिंदुस्तान का, उसने कुछ फैसला सोच समझ के किया होगा और शाहीनबाग वाले उस फैसले के साथ जाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट किसके लिए होती है? जनता के लिए। तो जनता नहीं चाह रही है? सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए होती है, जनता नहीं चाह रही है तो जनता के पास माध्यम क्या रह जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आकर ना उस कानून को। हमने ऐसा नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट किसके लिए है? जनता के लिए। सुप्रीम कोर्ट को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये जनता ऑक्सीजन दे रही है सुप्रीम कोर्ट को। भाई आप फैसला लो, किसी से डरो मत, क्योंकि इससे पहले जो जजमेंट आए हैं डरा हुआ जजमेंट था ना, हम तो ऑक्सीजन दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये लो डरो मत, हम आपके साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के। अभी तक कुछ ऐसा डिसाइड हुआ है कि जो वकील आएंगे यहाँ पर, जो एक उनकी कमिटी आएगी, वो किन लोगों से बात करेगी या कौन लोग आपके बीच में से निकल के आएंगे, किसी तरह का कुछ आपसी डिस्कशन हुआ? जनता बात करेगी, मंच है, मंच पे वो रहेंगे, जनता सवाल करेगी, जवाब देंगे। ये सिर्फ शाहीनबाग की वो थोड़ी है, ये एक दो चार लोगों का प्रोटेस्ट थोड़ी नहीं है, ये हिंदुस्तान का प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान बात करेगी। दो हफ्ते का वक्त मांगा है, क्या लगता है कुछ हो पाएगा इस बीच? नहीं होगा, ये आंदोलन उसी के लिए है कि हल निकलने के लिए है ना, ये आंदोलन इसीलिए कि हल निकले। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि प्रदर्शन करने का हक सबको है, लेकिन इस तरह से रास्ता घेरना वो सही नहीं है कि जनता परेशान हो। नहीं, जनता कहाँ परेशान हो रही है भाई, एम्बुलेंस एम्बुलेंस के लिए हम रास्ता दे रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे उनके लिए हम रास्ता दे रहे हैं। आम पब्लिक जो रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में जो ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, स्कूल की बसें हैं, ये मेन हाईवे है जो नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करता है। नहीं नहीं, अभी हमारे पास तीन रास्ते हैं। एक तो वहाँ से नोएडा से यूपी पुलिस ने रोक रखा है, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है, उसके बाद नौ नंबर आता है कलिंदी कुंज से, और ये अबुल फजल होते हुए जामिया होते हुए एक रास्ता है, वहाँ से सीधे निकलता है। आप जहाँ खड़े हैं उसके पीछे 40 फुटा है, वहाँ से बैरिकेड खोल दें, 40 फुटा से होते हुए सीधे नोएडा निकल सकते हैं। सरिता बिहार है, सरिता बिहार के पीछे से रास्ता है, वहाँ से निकल सकते हैं। हम तकलीफ कहाँ दे रहे हैं? लग रहा है फिर ब्लॉक क्यों कर रखे हैं फिर? अरे सर, पुलिस ने तकलीफ दे रखा है ना, अमित शाह से पूछने को हम कर रखे हैं, वो तो एक फैसले में हटा देंगे, वो तो बता दे कि सीए वापस होता है, ये तो उसमें से सिर्फ धर्म निकाल दे, अभी ये हट जाएगा। और मैं माफ कीजिएगा, ये जो रास्ते हैं ना पुलिस ने रोक रखे, हमारा जो ये देख रहे हैं ये मंच और वहाँ तक ये फुट ब्रिज जो है वहाँ तक हमारा रास्ता, बाकी पुलिस ने रोक रखा। आपके पास मैंने आपको तीन रास्ते बताए ना, अगर मुझे जाना होगा तो अगर पुलिस उससे पहले रोक ले तो मैं नहीं जा सकता, पुलिस खोल दे इजली, मूवमेंट जो गाड़ियों की है बहुत आसानी से हो सकती है। अब जब वकील आप लोगों हमारा सहयोग करें, हम पुलिस का सहयोग करें, हम तो पुलिस का सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन पुलिस जनता का सहयोग नहीं कर रही है। तो अब जब वकील आप लोगों के बीच आएंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है इन पॉइंट्स के अलावा, के NRP CA NCR हटाओ, क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे कि अगर कुछ आपके सामने इस तरह के ऑफर रखे जाएं कि भाई इनमें से ये क्लॉज हटा दिए जाएं, क्या सहमति बन पाएगी शाहीनबाग? डिपेंड करता है कौन सा। अब मैं ये ऐसे कैसे बता दूं कि कौन सा पॉइंट वो रखेंगे, कौन सा पॉइंट हम रखेंगे, कि ये मनुप्लेट थोड़ी नहीं है, या अमित शाह का इंटरव्यू थोड़ी नहीं है कि पहले से क्वेश्चन और आंसर पता है, ऐसा इंटरव्यू तो है नहीं ना, ये तो सामने से जो क्वेश्चन वो पुट अप करेंगे, आंसर पब्लिक देगी ना, तो अभी से मैं कैसे बता दूं, क्योंकि आपको उनका क्वेश्चन पता है क्या? तो अगर वो आकर ये कहते हैं कि आपको उनका क्वेश्चन पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कैसे पता होगा? मुद्दा आपके सामने है ना। तो मुद्दा तो सिर्फ सीए है ना, वो तो सीए है ना, सीए है मेन मुद्दा। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, सीए क्या है। अगर अभी मैं बताऊं कि सीए, अगर जो मैं श्याम कुमार हूँ, मैं नागरिकता अपनी साबित नहीं, सिटीजनशिप यहाँ की इंडियन सिटीजनशिप साबित नहीं कर पाया, तो अब मुझे बैकडोर से सीए से वापस आएगा। सीए से अगर मैं वापस आया तो गवर्नमेंट के पास एक प्रूफ हो गया कि मैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन मुल्कों में से आया हूँ, ठीक है। अब अगर आज आप सत्ता में हैं, कल आपकी सत्ता जा भी सकती है, कल आपकी मेजोरिटी में कोई और सरकार भी आ सकती है। अगर वो सीए रिजेक्ट करती है, तो जो श्याम कुमार सीए से थ्रू वापस आया है, इंडियन गवर्नमेंट के पास उसका दस्तावेज है कि ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आया है, तो वो बंदा कहाँ जाएगा? क्योंकि आज आप सत्ता में, आपने सीए ला दिया, कल को दूसरे लोग सत्ता में, सीए रिजेक्ट होते हुए हड़कंप मच जाएगी, और सीए गैर कानूनी है। अगर आप उसमें से धर्म हटा दें, सिर्फ धर्म हटा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
आप दीजिए, हम वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं कि हमारे जो वहाँ के सताए हुए लोग हैं। आज अमित शाह का एक चीज़ मैंने टीवी पे देखा, सोशल मीडिया में, कि उन्होंने कहा 30% हिंदू पाकिस्तान में था। आप सिर्फ वो माध्यम बता दीजिए, अमित शाह जी अगर आप मेरी बात पहुंच सकती है तो वो माध्यम बता दीजिए कि कहां से आपने ये 30% का रेशियो कहां से लाया है, क्योंकि आज़ादी के बाद सबसे पहले जनगणना सन 1971 में हुआ है, सन 1971 में जनगणना हुई है, जनगणना पाकिस्तान में भी हुई है। आप ये माध्यम कहाँ से लाए हैं कि 30%? मैं आपको बता देता हूँ, दो चीज़ें हैं। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है, हिंदुस्तान का बंटवारा एक बंगाल जो आज बन गया बांग्लादेश और पाकिस्तान था, हमेशा से जो है नॉन मुस्लिम्स की आबादी इस वाले पाकिस्तान में कम थी जो यहाँ पर थी, और 10% से 12% लोग का जो रेशियो था वो बांग्लादेश वाले पाकिस्तान में था। जो जब डिवाइड हुआ तो 12% जो नॉन मुस्लिम थे वो ये वाले रीजन में थे, वो वाले पाकिस्तान में 12% नहीं थे, ये वाले रीजन में 12% थे। अब जब ये पाकिस्तान अलग हो तो जाहिर सी बात है 1% 2% जो वहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक थे वही बचे ना। यानी कुल मिलाकर जो है ये कहा जाए कि अगर वहाँ से जो कोई भी तीन वकीलों की जो उन्होंने नियुक्ति की है वो आप लोगों के बीच बात करने आते हैं तो सीधा सीधा ये मुद्दा रहेगा कि CAA और NRC पर बात होगी, उस पर अगर सहमति बनती है तो बने, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन वैसी का वैसी चलता रहेगा। NRC हटा दो, CAA पे बात कर लो। NRC तो अभी आई नहीं, NRC हटा दो, CAA पे बात कर लो। अब मेन मुद्दा CAA, CAA पे बात, NRC जब आएगी तब देखेंगे। तो लेकिन पहले चीज़ कि आप सत्ता में आए हैं, अगर जो फुल मेजोरिटी में आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी कानून को छेड़ दोगे। जैसे जनता ने आपको बैठाया है वैसे जनता उतारेगी। सन आपको JP आंदोलन याद नहीं होगा, तो क्या लग रहा है फिर सुप्रीम कोर्ट को न्याय लेने में या इस मसले में आगे बढ़ने में किस चीज़ की समस्या पेश आ रही है, क्या लगता है? दबाव है, बाहरी ताकतों का दबाव है। ऊपर जो बैठे हैं, चराग ऐसे नहीं बुझता है, हवाएं बुझाती हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा था, सुप्रीम कोर्ट अभी भी, मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर जो दबाव हटा दीजिए ना, जजमेंट एकदम एग्जैक्टली निकल के आएगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता आप इतने बड़े न्यायालय पे ये सीधा सीधा आरोप लगा? मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप बताइए, एक मिनट सर, मुझे बात करने दीजिए। मैं नहीं लगा रहा हूँ। अभी आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, संसद में इसका मुखालफत हुई। जब संसद मुखालफत कर रही है तो जनता नहीं कर रही है? संसद में अभी सबरीमाला में औरतों को जाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सॉरी इजाजत दे दिया। लेकिन हमारे गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का अपोज जाकर वो उसको डिसीजन को रिजेक्ट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की बात कौन मान रहा है? वो नहीं मान रहे, हम तो मान रहे हैं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।